अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट बेट यूट्यूब चैनल। इस वक्त जो है मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ नुमान भाई के सेटअप में आया हूँ। नुमान भाई से पूछते हैं इन्होंने कौन कौन से बर्ड्स लगाए हुए हैं, कैसी इनके पास ब्रीड आई इस सीज़न के अंदर और इस्लामाबाद में क्या ट्रेंड चल रहा है बर्ड्स का। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं अरसलान आप? ठीक हैं जी। सबसे पहले तो आपको वेलकम कहते हैं कि आप इतनी दूर से हमारे फैंसियर्स को प्रमोट करने के लिए इस्लामाबाद तक आए और आपने यहाँ पर आके काफ़ी दूसरे ब्रीडर्स को भी कवर किया होगा, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे भी ये शर्फ बख्शा। सही, तो सबसे पहले तो बताएं क्या वर्किंग चल रही है, कौन से बर्ड्स आपने लगाए हुए हैं? अरसलान देखें, आजकल का जो दौर है वो आपको पता है कि सिर्फ कमर्शियल बर्ड्स पे आजकल का जो है ना वो चल रहा है, तो कमर्शियल पे हम वर्किंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट सीज़न से देखेंगे कमर्शियल के अंदर जो हमने एक, तो इंशाल्लाह भी साइज़ पे काम हमारा चल रहा है, तो नेक्स्ट सीज़न से आपको काफ़ी चीज़ें यानी जो मार्केट में जो अवेलेबल हैं उससे बहुत ऊपर की चीज़ मिलेगी इंशाल्लाह। जैसे कि लास्ट टाइम जब मेरा विजिट हुआ था तकरीबन 2 साल पहले, तो उस टाइम आपने अल्बाइनोस वगैरह लगाए हुए थे, उस टाइम ब्रीड आपके पास आ रही थी, तो 2 साल के बाद क्या ट्रेंड वगैरह आया है इस्लामाबाद में, कैसी ब्रीड वगैरह आ रही है और बर्ड्स वगैरह कैसे इधर प्रोड्यूस हो रहे हैं? असल में देखें अरसलान, बर्ड्स को प्रोड्यूस करना तो बहुत आसान है, लेकिन जो सबसे प्रॉब्लम वहाँ आती है कि बर्ड्स को सेल किस तरह किया जाए। तो यहाँ पर एक इस्लामाबाद यानी ट्विन सिटी के अंदर जो मार्केट है वो काफ़ी छोटी है, तो और जो परचेज़र है वो भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो हमने सिर्फ पहले ही दिन से कमर्शियल बर्ड्स पे काम किया है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी ब्रीड आ रही है और इस सीज़न में भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा आउटपुट आया है, और यहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा बल्कि सेटअप लगा के भी दिए लोगों को, और हमारा जो लोगों का अपने ग्रुप में लाने का मकसद ही यही होता है कि जो लोग अपना बर्ड सेल नहीं कर सकते वो हमारे साथ आ जाते हैं, तो हम उनसे ही उनका बर्ड परचेज़ कर लेते हैं। उससे ये फ़ायदा होता है कि जो लोग डरते हैं मार्केट में जाने से या जिनका प्रॉब्लम्स होते हैं और बड़े प्रॉब्लम्स हैं, घरेलू मामलात होते हैं जो नहीं समझते कि हम मार्केट में बर्ड्स कैसे सेल करें, तो उनको भी हम बेनिफिट देते हैं इस तरह से कि वो आप हमारे साथ जुड़ जाएं और हम उनको बर्ड्स भी सेल आउट कर दें। सही। अच्छा, अभी जैसे कि सीज़न ऑफ हो चुका है, सीज़न आपने इस सीज़न में ब्रीड ली, तो कैसी ब्रीड आपके पास आई और सेल वगैरह सारे बर्ड्स कर दिए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम रहा, सीज़न बहुत अच्छा गुजरा और कोई बर्ड्स जो आप ये समझ लें कि मेरे पास जितनी मेरी प्रोडक्शन थी पूरे इस्लामाबाद में जितने हमारे सेटअप लगे हुए उससे ज़्यादा हमारे पास ना ऑर्डर आए थे, तो फिर इस तरह से हुआ है कि फिर हमने जो ऑर्डर नहीं कंप्लीट हो रहे थे वो फिर दूसरे शहरों से लेके ना हमने वो पूरे किए हैं, क्योंकि हमारा जो जाल है वो पूरे इस्लामाबाद में नहीं, पिंडी इस्लामाबाद में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, जो कराची तक आपने देखा होगा कवर करते हैं आप हमारे ग्रुप वगैरह का, तो पूरे यानी पाकिस्तान में जाल फैला हुआ है, तो हम किसी भी जगह से ना जिस बंदे को रिक्वायरमेंट्स होती है उसको उसी तरह पूरी कर देते हैं। ठीक है अनुमान भाई, जैसे कि जब लास्ट टाइम विजिट हुआ था उस टाइम तो आपने अल्बाइनोस लगाए हुए, तो अल्बाइनो के अलावा कौन कौन सी म्यूटेशंस वगैरह आपने ऐड किए अपने सेटअप में? अरसलान देखें, मैंने आपको बताया कि मैंने सिर्फ कमर्शियल बर्ड्स पे ही लगाया है, आपने देखा हमारा जो अल्बाइनो का साइज़ है वो काफ़ी अच्छा साइज़ है ना, अभी हम साइज़ पर काम कर रहे हैं, जो नेक्स्ट अभी प्रोडक्शन आएगी ना तो आपको साइज़ भी और कलर भी काफ़ी अच्छा नज़र आएगा, लोगों को मज़ा आए ब्रीड कराने में भी और अच्छे साइज़ में भी। ठीक है, तो इस तरह से बताएं ना, इस सीज़न में आपने ब्रीड ली तो प्रॉफिट वगैरह हुआ, फ़ायदा वगैरह हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अल्लाह का बड़ा करम रहा, बहुत अच्छा रिटर्न है इसमें, जो लोग आना चाहते हैं ख़ास तौर पे कमर्शियल बर्ड्स में तो काफ़ी इसमें रिटर्न काफ़ी अच्छा है। तो आपको कितना इस फील्ड के अंदर कितना टाइम हो गया? मुझे तकरीबन ये 6ठा साल शुरू हो गया, 6 साल हो गए माशाल्लाह। तो इसके अलावा जो और म्यूटेशंस हैं ऑफलाइन स्पेल फेलो वगैरह वो आपने नहीं रखे? नहीं, वो क्योंकि देखें अरसलान, एक सीज़न में मैंने ये देखा था कि लोगों के पास बेतहाशा फिशरी मौजूद था, तो नेक्स्ट सीज़न में उसको लेने वाला कोई नहीं था, तो बंदा ऐसे बर्ड्स पे काम करे जो आप ये समझते हैं कि आगे फर्दर फ्यूचर में आप इजीली सेल हो जाए। ठीक है, तो एक न्यू फैन से डरता भी इसीलिए कि बर्ड सेल नहीं होते उससे। असल में प्रॉब्लम ये आता है कि यहाँ पर ना एक लोगों को ना बर्ड्स के बारे में मालूमात नहीं है। सही, हमेशा जो है ना बर्ड्स लेने से पहले ब्रीडर को देखे, पहले वो ब्रीडर किस लेवल का है और उसके पास किस किस्म का बर्ड्स लगा हुआ है, क्योंकि जितने भी म्यूटेशन है उसके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखनी होती हैं, बर्ड्स के अंदर क्वालिटीज़ देखनी होती हैं जिसको आप देख के फिर परचेस करना चाहिए। लोगों ने क्या किया है कि उनको पता ही नहीं है ऑफलाइन का, कि ऑफलाइन के मार्किंग और मास्किंग क्या होती है, लोगों ने धड़ाधड़ मार्केट से उठाए और लगा लिए, अब वो तो बिल्कुल कचरा है, यानी वो फिशर के रेट पर आज सेल हो रहे हैं। इसकी रीज़न ही यही है कि जब तक कि आप क्वालिटी मेंटेन नहीं रखेंगे जब तक कि आपको फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, थोड़ी सी ब्रीड के हवाले से बात करते हैं, जैसे कि यहाँ का वेदर थोड़ा सा चेंज है,
काफ़ी ज़्यादा सर्दी भी हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी हो जाती है, तो ब्रीड आप कैसे मेंटेन करते हैं अपने सेटअप की? देखें, मैं इसमें इतना ज़्यादा इनको डिस्टर्ब नहीं करता। जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है ना बर्ड्स, उसको अगर वेंटिलेशन प्रॉपर पूरी हो आपके पास, जिस तरह का माहौल हो, बर्ड्स खुद एडजस्ट होता है। क्योंकि यहाँ 6 साल से मैं इधर ब्रीड करा रहा हूँ इस्लामाबाद का, दोनों यानी पीक सर्दी भी होती है और पीक गर्मी भी होती है। गर्मी में प्रॉब्लम ये होता है कि हम ब्रीड इसलिए नहीं लेते कि यहाँ पर नमी का तनासुब बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से वो अंडे के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाता है और वो प्रॉपर बच्चा हैच नहीं होता। इस वजह से हम सर्दी गर्मियों में यहाँ पर ब्रीड ले ही नहीं सकते। इस सीज़न में कितनी ब्रीड आपने ले ली, कितने क्लच ले ली? तकरीबन मैंने क्योंकि फॉस्टर पेयर भी लगाए हुए हैं, तो किसी से मैंने 4 क्लच भी लिए और किसी से 5 क्लच भी लिए। और ये भी मैंने अपने आप, या आप समझ लें कि मैंने अपने बर्ड्स पे जुल्म किया है। वरना मेरा नॉर्मली ये होता है कि मैं 3 यानी मैक्सिमम 3 क्लच लूँ और इससे ज़्यादा ना लूँ, ताकि बर्ड्स ना स्ट्रेस में ना जाएँ। क्योंकि बर्ड्स अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रीड लेते रहेंगे, क्लच ले लेंगे, तो वो जो बर्ड्स है वो स्ट्रेस में चला जाता है और नेक्स्ट सीज़न इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। अच्छा नुमान भाई, अभी ये कि सीज़न तो ऑफ हो चुका है, बर्ड्स रेस्ट पर हैं, तो क्या चीज़ें यूज़ करवा लें जिससे बर्ड्स बिल्कुल ठीक रहें? जो ऑफ सीज़न होता है ना, बेसिकली यही होता है, जो फैंसियर है ना उसे पता होता है कि यही टाइम है जिसमें मैंने बर्ड अपना रेडी करना है ना। तो आप कोशिश ये करें, जितने भी नए फैंसियर हैं वो 100 फुट पे ना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। लोगों का जो हम किसी कोई भी हम हमारे पास कोई भी बंदा आता है, हम 100 फुट का कहते हैं, उसका सबसे पहले ख्याल ये जाता है कि शायद 100 फुट के अंदर इन्होंने कोई विटामिन देने, कैल्शियम देने। तो ये ऑफ सीज़न के अंदर जो है ना, मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ जो सब्ज़ियाँ हैं और जो सॉफ्ट सीड्स हैं वही आप दें, उससे ही जो बर्ड्स हैं वो रेडी होते हैं नेक्स्ट सीज़न के लिए। तो चलिए नुमान भाई के सेटअप पे विजिट करते हैं। नुमान भाई, अपनी लोकेशन और नंबर भी बता दें, अगर कोई किसी को बर्ड्स वगैरह चाहिए हो तो आपसे कांटेक्ट कर लेगा। मेरी लोकेशन है D17 टू इस्लामाबाद, और मेरा मोबाइल नंबर है 0333-5355-462। चलिए सेटअप पे विजिट करते हैं नुमान भाई के। जी मोस्ट वेलकम। सेटअप पे जाने से पहले यहाँ पे इन्होंने माशाल्लाह से रॉ के चिक्स भी रखे हुए हैं। नुमान भाई, इसका भी शौक है आपको? बस एक ये रॉ का ना पेयर मैंने रखा हुआ है, तो उसके चिक्स निकले थे कोई 7-8, बाकी तो दोस्त वगैरह लेके चले गए फ्रेंड, तो ये दो अपने लिए रुके हुए हैं। तो अभी क्या एज होगी इन बर्ड्स की? तकरीबन 3 सवा 3 माह के ये बर्ड्स हैं। तो टॉकिंग वगैरह भी स्टार्ट करेंगे ये? अभी ये करेंगे, तकरीबन 6-7 महीने के हो जाए उसके बाद ये टॉकिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक, ये कि नुमान भाई के सेटअप पे चलते हैं, आपको ओवरव्यू दिखा देते हैं। नुमान भाई, टोटल कितने पेयर्स आपने लगाए हुए? तकरीबन ये मेरे पास इस वक्त 50 पेयर्स लगा हुआ है। 50 पेयर्स लगे हुए। अच्छा जी, इस वक्त जो है टाइम 3 बज रहे हैं दिन के, और काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तो कूलर भी आपने यूज़ कर रहे हैं, कूलर भी लगाए हुए? जी, मैंने आपको बताया ना यहाँ पर गर्मी शदीद होती है, जिसकी वजह से नमी काफ़ी कम हो जाती है ना, तो बर्ड्स के अंदर जो है ना पानी की कमी ना होने की वजह ना हो, इस वजह से मैंने ये रूम कूलर यूज़ किया है ताकि वो कूल रहें। सही, उनको शावर नहीं कर सकता दिन में, तो मैंने कहा कम से कम उसको रूम कूलर लगा दें। वैसे दिन में शावर वगैरह बर्ड्स में करते हैं या अभी जरूरत नहीं पड़ी? जब ये टेम्परेचर मैंने जब नोट किया है ना 40 से ऊपर जाता है ना, उसके बाद मैं इसको ना एक दफ़ा शावर कर देता हूँ बर्ड्स को। नुमान भाई, अब बताएं, 5 से 6 साल आपको बर्ड्स रखे हो गए, क्या वर्किंग के साइज वगैरह इम्प्रूव किया बर्ड्स का? मैं आपको साइज चेक कराता हूँ बर्ड्स का। यहाँ पे माशाल्लाह से अल्बाइनोस के सारे पेड़ लगे हुए, और सारे माशाल्लाह अच्छे साइज के अंदर पेड़ लगे हुए नुमान भाई के पास। ये देखिए माशाल्लाह से साइज चेक करें। अच्छा, सारे आपके पास माशाल्लाह से, ये सब सारे के सारे ब्रीड कर चुके हैं सारे बर्ड? ये सारे मेरे पास ब्रीडर पेयर लगे हैं, तकरीबन 50 के करीब ना, तो एक से बढ़कर एक इंशाल्लाह, जो भी आप बर्ड्स देखेंगे पकड़ेंगे आपको पता चलेगा कि इसका साइज़ क्या है, क्वालिटी क्या है। देखें आजकल जो है ना क्वालिटी का दौर है ना। ये देखें माशाल्लाह अच्छे साइज़ में, काफ़ी बड़े साइज़ में। तो तकरीबन रेशियो क्या है आपके पास, कितने क्लच इस वक्त? 3-4 से क्लच आए हैं, लेकिन बच्चे वगैरह कितने निकलते हैं? देखें ये ना डिपेंड करता है ब्रीडर के ऊपर। अगर आप संभाल नहीं सकते ना बर्ड्स को, तो फिर तो आपको हो सकता है कि 1 या 2 चिक्स ना एक क्लच में मिले। सही, अगर आपके पास पोस्टर पेयर लगे हुए हैं अच्छे, और यानी पालने वाले अच्छे पोस्टर पेयर लगे हों, तो मेरा ख्याल है कि आराम से 4 या 5 के क्लच आ सकते हैं। क्योंकि इनकी जो रेशियो, क्योंकि जो साइज़ जो दिखा रहा हूँ ना, इसकी रेशियो ज़्यादा होती है, उसमें कम से कम ये 8 अंडर देता है एक क्लच में, तो कम से कम उसमें से आप 5 या 6 चिक्स आराम से बचा सकते हैं अगर आपके पास पोस्टर पेयर लगे हों। ठीक है। अच्छा। और इसके ना ब्लड लाइन भी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आपके पास ब्लड लाइन लगी भी ना हो, बर्ड्स का साइज़ ना हो, और आप ये सोचते रहें कि जी मेरे पास
चार या पांच क्लच में आ जाएंगे बच्चे, ऐसा नहीं होता। सही। अच्छा, किसी दोस्त को अगर अल्बाइनोस वगैरह लेने हो तो बुकिंग वगैरह करवानी पड़ती है आपके पास? जी बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने जो आपको नंबर बताया उस पर आपको बुकिंग करानी पड़ती है, और बुकिंग करवाने के भी ना तकरीबन 2 या 3 महीने बाद हम बर्थ देते हैं। नेक्स्ट मंथ से हम बुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट सीज़न के लिए। तकरीबन 2 से 3 महीने के बाद चिक्स वगैरह मिल जाएंगे? हाँ, क्योंकि अभी ऑफ सीज़न है, आपने देखा कि बॉक्सेस वगैरह सारे उतरे हुए हैं, तो नेक्स्ट जो है ना सीज़न के लिए बुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ से। तो क्या प्राइस वगैरह चल रहे हैं अल्बाइनो की पर पीस की? अभी जो रिसेंटली हम दे रहे थे 25,000 हम सेल कर रहे थे, और 17,000 का वापस परचेज करते हैं पेयर। सही। अच्छा जी, ये सॉफ्ट फूड नुमान भाई यूज़ करवा रहे हैं, नुमान भाई क्या क्या चीज़ें इसमें मिक्स हैं? इसके अंदर देखें आप, काले चने हैं, सफ़ेद चने हैं, लोबिया है, वाइट लोबिया है, कटर मकई है, गंदम है, और ये दालें हैं 4-5 जो किस्म की ना, ये ग्रीन कलर की जो आपको नज़र आ रही है ना। सही। क्योंकि कटी हुई दाल है तो वो आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ा सा। इसके अलावा क्या मिक्स करते हैं इसमें? इसके अंदर ना मैं कोई गाजर हो गई, चुकंदर हो गई, शिमला मिर्च हो गई, इस वक्त अभी जो आया हुआ कुल्फा आया हुआ आपने देखा होगा, और पुदीना आ गया, इस तरह की चीज़ें मैं इसके अंदर ना मिक्स करके एक साथ देता हूँ, क्योंकि अभी दोपहर का वक्त है, तो वो जो उन्होंने सुबह खाया था वो मैंने वापस उल्टा करके रख दिया, ताकि जो फिनिश कर चुके हैं वो ख़राब ना हो। डेली आप सुबह ये चीज़ें यूज़ करवाते हैं, उसके बाद सीड मिक्स वगैरह देते हैं? बिल्कुल ऐसा, सीड मिक्स 24 घंटे पड़ी रहती है, बाकी सॉफ्ट फूड के तौर पर ना हम ये सुबह इनको सर्व कर देते हैं। ये कि माशाल्लाह नुमान भाई ने जितने भी पेड़ लगाए हुए हैं सारे के सारे क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं, सारे के सारे अच्छे साइज़ में, जो कि आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये देखें नुमान भाई सारे जमा आपने कहाँ से किए? कराची से लिए? जी बिल्कुल, ये खुर्रम भाई का तोहफा है, वहाँ कराची से आया हुआ है। सही। लेकिन मैंने आपने 5 से 6 साल पहले जो है 1 से 2 पेड़ से स्टार्ट किया था आपने? जी बिल्कुल ऐसे ही, 10 पेड़ से स्टार्ट किया था मैंने, और अभी मेरे पास तकरीबन 50-60 पेड़ लगा हुआ है इधर। सही। अनुमान भाई, जब आपने 10 पेड़ आपने स्टार्ट में लिए थे, तो उसके बाद तकरीबन 50 पेड़ आपने किए, तो उसमें कितना टाइम आपको लगा, और होल्ड वगैरह किए या वापस से आपने परचेज किए बर्ड्स? ऐसा है कि मैं हर सीज़न में ना 10 से 15 पेड़ ना रोकता रहूँ अपने लिए ना, तो उससे ये होता है कि मेरा अपना जो सर्कल है वो भी अगर नेक्स्ट सीज़न, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि 5 के 5 साल एक ही पेयर ना ब्रीड कर रहा होता है, सही ना। सही। कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, बर्ड्स है, ज़िंदा चीज़ है, कोई भी छोटी मोटी इशू आते हैं, तो हमने अपने सेटअप से लोगों से ना जमा किए होते हैं बर्ड्स जो आते हैं, तो ताकि सिबलिंग कोई ना लगे इसका भी ख्याल रखते हुए हमने अपने इकट्ठे किए हुए होते हैं बर्ड्स, तो हर साल में थोड़ा थोड़ा जमा करते हैं, अभी 50 पेयर पर आ गया हूँ। ये तकरीबन 50 पेयर जो है ना इनफ होते हैं, जो बंदा किसी जगह जॉब कर रहा हो उसके बाद शाम को जितना उसके पास टाइम होता है वो 50 पेयर इनफ होते हैं उसके रखने के लिए। ठीक है। अच्छा, 50 पेयर इस सीज़न में आपके पास बीट गए, तो कितने चिक्स आपने सेल किए इस सीज़न में? असलान ये तो खैर मुझे कैलकुलेट नहीं किया कभी। कैलकुलेट तो किया होगा आपने? शुक्र है अल्लाह का बड़ा एहसान रहा है, बल्कि मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छा रिटर्न मिला, वो जितना मैंने सोचा था अल्लाह ताला ने उससे मुझे बढ़ के दिया है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि मार्केट वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं लगती मेरे ख्याल से, लालू की जैसे टाइप की मार्केट लगती है कराची में, तो यहाँ पे वैसे और कोई मार्केट लगती है बर्ड्स वगैरह की? यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर जो है ना G9 कराची कंपनी है, वो बेसिकली बाज़ार है, उसके अंदर एक छोटी सी मार्केट लगती है बर्ड्स की, वहाँ पर बर्ड्स आते हैं, लेकिन जिस तरह आप कंपेयर करें एज़ कम्पेयर कराची की मार्केट या लाहौर की मार्केट से, तो आप ये समझें कि बहुत ही ये 10 या 12 शॉप्स मुश्किल से हैं वहाँ पे, और उनके पास भी वो बर्ड होता है जो रेगुलर चल रहा होता है, फिशर और लुटीनो वगैरह ना। जैसे कि काफ़ी लोगों की कॉल्स आती है मेरे पास इस्लामाबाद से, लाहौर वाली साइड से, तो यहाँ पर केजीज़ वगैरह बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं कराची में थोड़े नॉर्मल प्राइसिस में, तो ये केजीज़ वगैरह कितने के बनवाए, और यहाँ पर किधर शॉप है केजीज़ वगैरह की? केजेज़ वगैरह पिंडी में ज़्यादातर इनके ना वर्कशॉप अवेलेबल हैं, अगर किसी बंदे को केज वगैरह बनवाना हो मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर ले, मैं जो है ना 2-3 बंदों के नंबर दे दूंगा, और वो अच्छी क्वालिटी में ये केजेज़ वगैरह बनाते हैं, आप देख लें मेरे पास ये लगे हैं केजेज़। सही। क्या साइज आपने दिया था केजेज़ का? ये 1.5-2.5 का जो है ना, और फ्रंट पे बॉक्स आ जाता है? फ्रंट पे बॉक्स आ जाता है। ठीक है। तो अभी तो ऑफ सीज़न है इसलिए आपको बॉक्स कोई हैंग नज़र नहीं आ रहा। अच्छा जी, इसी के साथ वहाँ पे फॉस्टर पेयर्स का सेटअप आपने लगाया हुआ है? जी बिल्कुल, वो बाहर जो है सारे फॉस्टर पेयर लगे हुए हैं मेरे पास, जिनके जो इनके बच्चे मैं उधर उनसे पलवाता हूँ, चलें वो भी आपको विजिट करवा के दिखा जी यार। बिल्कुल, ये इस्लामाबाद का आपको व्यू दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सारा फॉस्टर पेयर्स का सेटअप लगा हुआ है। इसका साइज़ क्या है मास्टर केज का? मास्टर केज का तकरीबन 10x20 का साइज़ है, और यह ओपन है चारों तरफ से, इसमें वॉल नहीं है,
मैंने जाल से बनाया हुआ ताकि वेंटिलेशन प्रॉपर हो ना गर्मियों में, और सर्दियों के अंदर मैं उसको फुल कवर कर देता हूँ जिसकी वजह से इनको सर्दी में भी बचत हो जाती है और गर्मी से भी ये बच जाते हैं। मैंने रूम कूलर इधर भी इंस्टॉल किया हुआ है, आप देखेंगे राइट साइड के ऊपर अंदर जाके। मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर आपने काफ़ी ज़्यादा लगाए हुए। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आपको पता है 7-8 जब चिक्स आने होते हैं अल्बाइनों से, तो बच्चे जब तक आप उनको रोटेट नहीं करेंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए आप मास्टर केज के अंदर चलते हैं। जी अनुमान भाई, यहाँ पे माशाल्लाह से आपने फॉस्टर पेड़ लगाए हुए, इसके अलावा जावा भी इन्होंने लगाए हुए, वो भी आपको दिखा दें। तो तकरीबन फॉस्टर पेड़ चिक्स वगैरह सही पाल रहे हैं आपके पास? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरे पास प्रॉब्लम करता है सीज़न में मैं उसी वक्त में हटा देता हूँ, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा फॉस्टर पेड़ लगाया हुआ ताकि मुझे सीज़न के मिड में या स्टार्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ अल्बाइनोज वगैरह भी आपने लगाए हुए हैं, यहाँ भी अल्बाइनोज भी ब्रीड कर रहे हैं। ये बेसिकली मेरे पास ये ना 5 से 6 माह के चिक्स हैं जो उस उधर जगह ख़त्म हो गई थी अंदर, तो मैंने यहाँ पर शिफ्ट करके अभी लगा दी हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब सीज़न स्टार्ट होगा तो इसको भी मैं अंदर लेके चला जाऊँगा कोई बना के ना जगह, जहाँ पर आपने मेरे एक्स्ट्रा चीज़ें देखी हैं पड़ी हुई उधर। तो लव बर्ड्स के पेड़ में दिखा दूँ माशाल्लाह, यहाँ पे लव बर्ड्स भी लगाए हुए सारे फॉस्टर पेड़। अच्छा जी, यहाँ पे कॉकटेल्स भी आपने लगाए हुए? जी, ये एक दोस्त है हमारे पेशावर में, उन्होंने गिफ्ट किया था मुझे, तो उसकी काफ़ी चिक्स आ गई, तो मैं बल्कि इसके ना ब्रीड भी दिखाता हूँ उसके अंदर। अच्छा माशाल्लाह, ब्रीड भी अभी कर रहे हैं। सीज़न है, देखें ये सॉफ्ट फूड प्यारा था, वही मैंने थोड़ा सा अभी सही माशा थे। दो चिक्स निकले हुए क्रीम कॉकटेल के, रेड आई के अंदर, बाकी यहाँ पे सारे के सारे जो है लव बर्ड्स के पेड़ लगे हुए। अच्छा, लव बर्ड्स के अलावा भी आपने कुछ रखा हुआ है? लव बर्ड के अलावा मैंने शौक में जावा लिया था, फोन जावा ना, तो माशाल्लाह उसकी बहुत अच्छी प्रोडक्शन है और उसका मुझे बहुत ज़्यादा रिटर्न आया है इस सीज़न। ठीक है हनुमान भाई, बेसिकली के लिए आप जो जॉब करते हैं, जॉब में ज़्यादा मज़ा आता है या इस फील्ड के अंदर आप जो इंटर होते हैं उसमें ज़्यादा मज़ा आता है? देखें, जॉब जो है ना वो मेरी है टेक्निकल ना, तो उसमें ये होता है कि बंदा बहुत ज़्यादा खपा हुआ होता है ना, उसके बाद जब वो बर्ड्स की तरफ आता है ना, नेचर के जितने करीब आता है वो उतना ना उसको मेंटली रिलैक्स होता है। ये मेरा सेकंड बर्ड्स रखने का ये भी मकसद था कि मैं मेंटली भी ना रिलैक्स रहूँ। सही, तो कैसे देखते हैं, अगर कोई न्यू फैंसियर है या कोई स्टूडेंट है वो बर्ड्स रख सकता है, और उसका अर्निंग वगैरह कैसी होती है? मेरा ख्याल है कि अगर कोई पार्ट टाइम इस बिज़नेस को लेकर चलता है, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ये सोचेगा कि मैं इसके अलावा कोई काम करूं। इतना ज़बरदस्त बिज़नेस है बर्ड्स का कि आप सोच नहीं सकते, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। जितने यंगस्टर हैं मैं उनको बल्कि मशवरा ये दूंगा कि बजाय कि आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो आप उन्होंने रखी हुई होती है वो ख़त्म करके इस हॉबी की तरफ आएँ। एक तो आप मेंटली रिलैक्स रहेंगे और आपको ऐसी अर्निंग होगी जो आप सोच नहीं सकते। अच्छा, इसमें स्टार्ट करने में कितने पैसे चाहिए होते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है? देखिए अरसलान, मैंने आपको शुरू में भी यही बताया था कि स्टार्ट तो आप जितना गुड़ डालें उतना मीठा वाली बात हो जाएगी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पहले बर्ड्स को ना रखना सीखें। जब तक कि आप रखना नहीं सीखेंगे उस वक्त तक आप ब्रीड नहीं सही करवा पाएंगे, और क्वालिटी बर्ड रखें जो आपको हमेशा प्रॉफिट दे, ना कि नुकसान हो। ठीक है, स्टार्ट में नॉर्मल फिशर लव बर्ड वगैरह से स्टार्ट कर लें, बाकी उसके बाद दूसरे बर्ड्स रख लें। अगर आप ये चाहते हैं कि मैंने अपना यानी एक सीज़न बचाना है, तो आप लव बर्ड और जो कॉकटेल लव बर्ड या फिशर वगैरह उनके ब्रीडर पे ले लें, और उसी के साथ आप ना कोई भी आप जो लगाना चाहते हैं कमर्शियल बर्ड्स उसके चिक्स परचेज कर लें, ताकि जब वो नेक्स्ट सीज़न से ब्रीड करें तो आप इन लव बर्ड पे अपना एक्सपीरियंस कर चुके हैं उस सीज़न पहले। सही, तो चलिए आपको दिखाते हैं, कुछ जावा भी इन्होंने लगाई हुई है नुमान भाई ने, फोन जावा। फोन जावा अभी इस्लामाबाद में क्या रेट चल रहा है इनका? इस्लामाबाद में इस वक्त ना फोन जावा का तकरीबन 32,000 रुपये का पेयर चल रहा है ब्रीडर का, और 18,000 का चल रहा है पट्ठों का पेयर चल रहा है। सही, तो ब्रीड वगैरह इसमें आ रही है कॉलोनी के अंदर? हाँ, ये सारी कॉलोनी की ब्रीड है। राइट साइड पर ये देखें, ये जो ब्रीड आई थी ना फर्स्ट लच, उसमें से ये मैंने चिक्स रोके हुए, इसके नीचे भी हैं, तो अब देखें ये भी ऑलमोस्ट ना ब्रीड के काबिल हो गए। इंशाल्लाह ये मैंने बॉक्सेस इनको लगा इंस्टॉल कर दी हैं, तो नेक्स्ट मंथ से इंशाल्लाह ये भी ब्रीड कर जाएंगे। ठीक है माशाल्लाह से, यहाँ पे जावा की कॉलोनी लगाई हुई है। अच्छा जी, यहाँ पर भी माशाल्लाह से पीसीज रखे हुए हैं। जी, ये मैंने पहले क्लच के बच्चे रोके हुए इनके, तो इंशाल्लाह जब ये नेक्स्ट सीज़न से ब्रीड स्टार्ट कर देंगे तो ये काफ़ी अच्छे पेयर बन गए मेरे पास। अच्छा, यहाँ पे लेडी गोल्डन भी लगा हुआ है। बस ये शौक़ के लिए ना ऐसा ऐसा मैं चीज़ें एक्स्ट्रा जमा कर रहा हूँ, ताकि रंग बिरंगी चीज़ें मुझे नज़र आए। सही है ना,
अच्छा, इसके अलावा आपने और कौन कौन से बर्ड्स इसके अलावा भी रखे हुए बर्ड्स यहाँ पे? जावा, ग्रे जावा भी है। ग्रे जावा, ये मेरे पास ग्रे जावा का दो पेयर था, इन्होंने फर्स्ट क्लच दिया मेरे पास तकरीबन 17-18 ना इनके चिक्स आ गए, वो मैंने बाहर उसकी कॉलोनी लगा दी। मेरे पास राह का एक पेयर है जिसके अभी आप बच्चे मैंने दिखाए थे, और आगे येलो रिंग नेक का है जो क्रीम कलर के मेल के साथ लगा हुआ है पेयर। यहाँ पे माशाल्लाह से नुमान भाई ने जो येलो रिंग नेक का भी पेयर रखा हुआ है, ये भी माशाल्लाह से शौक है आपको रिंग नेक वगैरह का? जी अरसलान, मैंने ये बच्चे लिए थे इसके ना, अब ये बड़े हो गए तो मेरे पास दोनों फीमेल निकल आई थी, तो मैंने जो मेल है ना वो चेंज करवाया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न से ये स्टार्ट ले लेगा। अच्छा, ये भी माशाल्लाह आपके नेक्स्ट सीज़न में बीट कर देंगे? जी इंशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह से कॉकटेल टेम किया हुआ है, तो हैंड फीड वगैरह से आपने टेम किया या ऐसी नॉर्मल टेम हो गया? बिल्कुल, ये हैंड फीड इस्तेमाल की थी, मेरे छोटे बेटे को ये शौक है और उसने काफ़ी चीज़ें ना इसको सिखाई हुई है, बोलता भी है, लेकिन ये जब ये मेहमान आ जाए ना तो थोड़ा सा ये शर्माता है। अभी से भी ये सीटियाँ बजाएगा या मिठू मिठू बोल रहा है अभी ना। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह से। तो गाइस, ये तो नुमान भाई का सेटअप, आपको पूरा सेटअप विजिट करके दिखाया, अब ये कि नुमान भाई एंड में कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये आपने देखा मेरा सेटअप यहाँ पर लगा हुआ है इस्लामाबाद के, और आप बैकग्राउंड में देखेंगे कि यहाँ पर पहाड़ी इलाका है और ये काफ़ी ओपन जगह है, जिसकी वजह से ना मेरे पास बर्ड्स की ना ब्रीड बहुत अच्छी आ रही है। जिस मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि जितना बर्ड्स को आप अच्छा मौसम देंगे, माहौल देंगे, उतनी अच्छी ब्रीड करेगा। तो अच्छी ब्रीड आने का ना जो मुझे लगता है इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये भी है कि यहाँ पर बर्ड्स को ना माहौल काफ़ी अच्छा मिला हुआ है। अभी आपने मेरे घर का सेटअप का विज़िट कर लिया, मैं आपको एक और मेरा भाई का सेटअप लगा हुआ है पिंडी में, मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ और वहाँ पर भी बर्ड्स की सूरत हाल दिखाता हूँ। ठीक है, तो गाइस ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।